गाइस, दो सेक्शन कवर करने के बाद अब मैं आपको जो करवाऊंगा उसका नाम है कि हम उन अकाउंटिंग एंट्रीज को हम टैली पे कैसे मैप करेंगे। ठीक है, एंट्रीज पास करना हमें क्लियर हो गया, क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होगा, ये सारी बातें हमें क्लियर है। अब यार, इन एंट्रीज को जैसे किसी कंपनी का बिल आया तो आजकल वो मैनुअली वाला चक्कर तो खत्म हो गया है कि वो मुनीम बैठेगा, खाते खोलेगा, उसको लिखेगा। ठीक है, तो मुनीम का जमाना लग गया। अब आता है जमाना सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम टैली का सॉफ्टवेयर, बीजी का सॉफ्टवेयर, क्विक बुक का नाम सुना होगा आपने, क्विक बुक, ओके, एसएपी का नाम सुना होगा। ठीक है, तो इन सभी सॉफ्टवेयर पे हमें एंट्री पास करनी पड़ती है, यानी जो भी सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी के अंदर इंस्टॉल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या सॉफ्टवेयर सारे सीखने पड़ते हैं? तो क्या होता है कि इसको अगर मैं समझाऊँ कि किसी कंपनी में टैली देखा होगा आपने, किसी कंपनी के अंदर बीजी लगा होता है, किसी कंपनी के अंदर आपका एसएपी होगा, किसी कंपनी के अंदर क्विक बुक हुआ, किसी में ओरेकल भी लगा होता है। ठीक है, तो यार मैंने किसी कंपनी में जॉब किया, वहाँ पे सपोज करो टैली का सॉफ्टवेयर था, फिर किसी कंपनी में गया, वहाँ सॉफ्टवेयर बीजी का आ गया, तो क्या मुझे बीजी की कोचिंग देनी पड़ेगी, बीजी सीखने जाना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, खाली गेटवे चेंज होता है। अकाउंटिंग एंट्रीज बिल्कुल सेम होती है, टैक्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होगा हर टैक्स के अंदर। ठीक है, हाँ, चेंज होगा क्या, सॉफ्टवेयर का गेटवे चेंज होगा, सॉफ्टवेयर का इंटरफेस चेंज होगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हमारा कैसे वर्क करता है वो थोड़ा चेंज होगा, आपको उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी लेनी पड़ेगी। इसको समझने के लिए ये समझो कि अगर आपको ड्राइविंग आ गई है एक बार, तो आप कोई सी भी कार चला सकते हो, बिल्कुल ठीक है। चाहे आपने अगर ड्राइविंग सीखी हो, मान लो सपोज करो ऑल्टो पे, तो अगर आपको कल को हम दे दें BMW, तो चला लोगे, बिल्कुल चला लोगे, बट थोड़ा सा डर होगा अंदर कि ये कार, कुछ उसके फंक्शंस अलग होंगे, कार के फ्रंट थोड़ा बड़ा होगा उसका, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जो मैं फिर 5-6 बार ट्राई करने पे वो कार हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, कि कैसे ड्राइव करना है, कैसे नहीं करना, हमारा डर भी खुल जाएगा। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर भी सेम समझ लो ऐसी कॉन्सेप्ट होता है कि 5-6 बार आपने बीजी चला लिया, टैली चलाने के बाद, तो बीजी में भी आपका हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको मैं बीजी की ट्रेनिंग और एसीबी की ट्रेनिंग साथ में दूंगा ही दूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम टैली पे फोकस करते हैं अपना। तो हम उन बिल को कैसे टैली पे मैप करें, हमें भी ये समझना है। तो गाइस, आई थिंक मैंने अपने टैली की वीडियोस देखी भी होंगी कि टैली के अंदर कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे हम लेजर्स बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक चीज़ें नहीं बता रहा, हल्का फुल्का आइडिया दूंगा। बाकी हम बिल मैप कैसे करेंगे, जैसे कि आपने मेरा सेक्शन 194J और S देखा भी होगा, तो मान लो उन्हीं की एंट्री आपको मैं सिखाता हूँ टैली पे। ठीक है, जैसे कि एक कोई कंपनी क्रिएट करते हैं, लेट्स से अमर प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ये एड्रेस वेड्रेस फिल कर लेना, जिनको भी, जिन्होंने मेरी बेसिक वीडियो नहीं देखी टैली की, वो देख लेना कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, यहाँ मैं सिर्फ सेव कर रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या होगा गाइज, एंट्री पास करने के बाद वो देखो कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जो काम होगा भाई वो क्या, एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको क्या, TDS, एक्टिवेट करो TDS। कैसे करना एक्टिवेट आपको, तो देखो नॉर्मली हम गॉट की स्क्रीन पे होते हैं, गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे। ठीक है, वहां जाके आपको F11 प्रेस करना है और F3 प्रेस करना है। ठीक है, लेट्स सी, चेक करते हैं। तो मैं अभी गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे हूं, यहां से मैंने F11 प्रेस किया और देन F3 प्रेस किया, तो मैं आ गया स्टेचरी एंड टैक्सेशन वाली स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखो गाइज, जो भी टैक्स हम इनेबल करते हैं सारे यहीं से होते हैं, चाहे वो वैट की बात करूँ, एक्साइज की, सर्विस टैक्स की, TDS की, TCS की, सारे यहीं से। हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ पे है अभी, हमारा मेन फोकस अभी TDS पे है। तो मैं इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को यस करूँगा और सेट ऑल्टर टैक्स डिटेल्स को भी यस करूँगा। गाइज, बेसिकली ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, कई बच्चों को समझ नहीं आता है ऑल्टर क्यों लिखा होता है, दो को यस क्यों करते हैं। यहाँ से मैंने वैट TDS को एक्टिवेट किया और यहाँ से हमें इनको चेंज कुछ करना है मुझे, तो उसको मैं इसके लिए यस कर रहा हूँ। चेंज करना हो या फिर कुछ इनपुट डालना हो आपको, तो यहाँ से इसको चेंज करने के लिए यस करते हैं। सबसे पहले पूछता है आपसे वो 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। गाइस, ये 10 नंबर बिल्कुल नहीं है, याद होगा आपको जब मैं आपको 10 की वीडियो सिखाई थी 10 कैसे अप्लाई करते हैं, तो 10 अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक कुछ डिजिट का एक वो आता है, नंबर आता है, रिसिप्ट नंबर आता है, तो ये आपका 10 रिसिप्ट नंबर है। फिर रिसिप्ट उसको हम भेजते हैं, कुरियर करते हैं, उसके बाद जो नंबर आता है उसको हम बोलते हैं 10 नंबर। तो यहाँ पे ये 10 रिसिप्ट नंबर मांगता है, जो कि कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। यहां पूछ रहा है आपसे वो 10 नंबर बताओ, मान लो ये 10 नंबर डाल दिया मैंने, फिर पूछ रहा है वो
कि कुछ फॉर्मेट रह गया होगा, ठीक है। फिर डायरेक्टर टाइप पूछ रहा है मुझसे, वो ये 10 डिजिट का होता है, इसके लिए मैंने 9 डाला है, इसलिए ऐसा होगा। एक मिनट, अरे यार डी ई एम ठीक है। अभी देखो डायरेक्टर टाइप पूछ रहा है मुझसे वो, यानी जिनका आप टीडीएस काटोगे उनके बारे में नहीं, आप कौन हो? डायरेक्टर मतलब हमारे बारे में, हम टीडीएस काटेंगे तो हम कौन है, कंपनी या नॉन कंपनी? तो आप जो भी होगे पिक करोगे अपने बारे में, ओके। आपकी कोई ब्रांच अगर है डायरेक्टर की तो वहाँ पे डिस्क्राइब करो, एल्स स्किप करो। फिर ये पूछ रहा है सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, आपकी कंपनी में टीडीएस काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है उसके बारे में। आई थिंक ये आपको मैंने 10 के अंदर सिखाया भी था कि कौन होता है, जब 10 अप्लाई किया था मैंने, उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी गाइस। नाम आ जाएगा उसका, डेजिग्नेशन आ जाएगी, पैन नंबर, फ्लैट नंबर, एड्रेस, लोकेशन, मोबाइल, एसटीडी, टेलीफोन, ईमेल आईडी डाल देना। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फिल कर सकते हैं उसको आराम से, उसको फिर सेव कर देना। यहाँ पूछता है जब से वो रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन इज नॉट अवेलेबल, मतलब क्या कि अगर टीडीएस काटने वक्त डायरेक्टरी का, डायरेक्टर का नहीं, डायरेक्टरी का जिसका टीडीएस काटोगे उसका अगर पैन नंबर ना हो तो क्या होगा, 20% करता टीडीएस, आपको पता ही है। और गाइज ये बातें कहाँ पे आती है, इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन, आपको मैं सेक्शन में कवर कराऊंगा, ठीक है, वेट करते हैं इसके लिए। और यहाँ पे मैं उसको सिंपली सेव कर रहा हूँ। तो ना मेरा टीडीएस एक्टिवेट तो हो गया, ठीक है। आपको ये मैंने पहले भी समझाया था कि एंट्रीज पास हमें काउंटिंग वाउचर में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज। अगेन फिर से रिपीट करता हूँ जिनको ये समझ नहीं आता कि कौन सी एंट्री कहाँ पास होती है, एक बार मेरी बेसिक वीडियो रेफर करो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। वैसे सिंपल सा है, परचेज के अंदर परचेज की एंट्री, सेल्स के अंदर सेल्स की एंट्री, रिसिप्ट के अंदर कोई पैसे आ रहे हैं तो पैसे जाएंगे तो पेमेंट के अंदर, कॉन्ट्रा के अंदर कैशबैक की एंट्री होती है। इसके अलावा जनरल के अंदर अगर मैं सिंपली बोलूँ जो बच गया सारी एंट्री यहीं पर आती है। और वी कैन से एक्सपेंस की एंट्री, एडजस्टमेंट की एंट्री, टैक्स एडजस्ट करने की एंट्री, आउटस्टैंडिंग की एंट्री, प्रीपेड की एंट्री, सारी हम यहाँ पे मैप करते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अभी जो हमारे पास बिल है वो किसका है, एक्सपेंस का बिल है, तो कहाँ पे एंट्री पास करनी है हमें, F7 के अंदर। तो आप सिंपली क्या करो, F7 प्रेस कर दो। देखो यहाँ पे जनरल का स्क्रीन खुल गया आपका। अब यहाँ पूछता है वो आपसे बाय, ठीक है, बाय मतलब डेबिट होता है बेसिकली। तो डेबिट क्या करना है मुझे, डेबिट करना है मुझे एक्सपेंस को। आपको 194J का सेक्शन याद होगा, एक्सपेंस को हमें डेबिट करना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट सी प्रेस करता हूँ, और मैं यहाँ पे मान लो ऑडिट फीस अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाता हूँ, जो कि अंडर आएगा किसके, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, ओके। और यहाँ पे इज टैक्स, यहाँ पे इन्वेंट्री के लिए पूछिएगा गाइस, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो इससे हमारा स्टॉक से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, ओके। इज टीडीएस एप्लीकेबल, तो यहाँ पे मैं स्पेस दबा के, स्पेस बार दबा के एप्लीकेबल करूँगा, क्योंकि इस वाले एक्सपेंस पे टीडीएस एप्लीकेबल है। जैसे अगर आप टीडीएस एक्टिवेट नहीं करोगे वहाँ से F11 F3 से, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए पहले हम टीडीएस को एक्टिवेट करते हैं, फिर यहाँ पे जाके इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं। नाउ ही इज आस्किंग फॉर द नेचर ऑफ पेमेंट, मतलब इस एक्सपेंस के ऊपर जो टीडीएस एप्लीकेबल है, जो कि आपने कहा, तो कौन से सेक्शन वाला होगा, सेक्शन 194H वाला होगा, J वाला होगा, I वाला होगा, C वाला होगा, सेक्शन 92 होगा, तो हमें सेक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, सेक्शन कौन सा है। तो अगेन ऑल्ट सी प्रेस करना, ओके, ऑल्ट सी प्रेस किया और यहाँ पे डिफाइन कर दो, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, ओके। सेक्शन कौन सा है हमारा, 194J। पेमेंट कोड पूछता है गाइस। अच्छा सेक्शन क्या होता है, सेक्शन में सब बातें लिखी हुई हैं। अब गवर्नमेंट बोलती है टैक्स जमा करने जब हमारे पास आओगे तो एक पेमेंट कोड दे रहे हैं, उसके थ्रू जमा करना, तो इसका पेमेंट कोड होता है 94J। नॉर्मली क्या होता है, ये 1 हटा देना सेक्शन में से, तो इसका पेमेंट कोड बढ़ जाएगा। रेट क्या है, 10%। कितने लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, 30,000 तक, 30,000 टीडीएस नहीं काटना है, ओके। सेव कर दिया मैंने, और ये लो सेव, बिल आया था सीए का 40,000 का, होप आपको एग्जाम्पल क्लियर होगा, ठीक है। अगेन डेबिट कुछ करना है हमें, हमें डेबिट अब कुछ नहीं करना, हमें करना है क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या करना है हमें, पार्टी को, यानी ABC प्राइवेट लिमिटेड को हमें क्रेडिट करना है। ये कौन है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर है हमारा ये, क्योंकि इससे हमें, इसको हमें पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इज टीडीएस डिडक्टेबल, क्या इस पार्टी का टीडीएस काटना है आपको, हमने कहा यस सर काटना है,
डिडक्टिव टाइप पूछ रहा है गाइड। गाइस वर्ड का बड़ा अंतर होता है, अब डिडक्टिव पूछ रहा है ना कि डिडक्टर। अब ये पूछ रहा है डिडक्टिव मतलब इसके बारे में पूछ रहा है कि एबीसी लिमिटेड है कौन, आपकी कंपनी है, नॉन कंपनी है, सोसाइटी, फर्म जो भी होगी, ठीक है तो आप पिक कर लो। मैंने कंपनी पिक किया। क्या टीडीएस आपने इसी वाउचर पे काटना है? डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर? मैंने कहा हाँ जी इसी वाउचर पे काटना है क्योंकि पहला बिल ही उसका 30,000 से ऊपर का आ गया। ओके फिर उसका बेसिक एड्रेस वेड्रेस फिल करेंगे, पिन नंबर डालेंगे, और यहाँ पे पेन नंबर देना गाइस कंपलसरी है, वरना क्या होगा 20% कट जाएगा टीडीएस का। तो पैन नंबर जो भी होगा, एक मैंने पैन नंबर साइन कर दिया इसको, तो मैं इसको सेव करके एंटर मारूंगा। जैसे ही गाइस आप एंटर मारोगे टीडीएस इसका ऑटोमेटिक कट जाना चाहिए। अगर यहाँ टीडीएस ऑटोमेटिक नहीं कट रहा इट मीन्स आपकी असाइनमेंट के अंदर की प्रॉब्लम आई है। हम मैनुअली यहाँ फिगर नहीं डालते, टीडीएस ऑटोमेटिक कटता है हमारा। अब देखो यहाँ से दो बिल बनेंगे, एक तो बिल बनेगा उसका 40,000 का और एक बिल बनेगा टीडीएस वाला 4,000 रुपये का, ठीक है। इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे? जब हम पेमेंट करने जाएंगे तो पहले हम पार्टी को पे करेंगे 40,000 के थ्रू और फिर इसको पे करेंगे इस बिल के थ्रू। फिर टू करेंगे क्या एंट्री, याद है गाइस एक्सपेंस डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस। तो हम लेजर बनाएंगे टीडीएस ऑन प्रोफेशनल, आप नाम पूरा लिख देना इसके अंदर। अंडर टैक्स के हमारे जितने भी लेजर होते हैं वो सारे सारे हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर आते हैं। अंदर टीडीएस पिक करेंगे, इसको सेक्शन हमारा ये वाला कवर होगा। ओके उसको मैं सिंपली सेव कर रहा हूँ। ये देखो जो एंट्री हमने वहाँ पे मैनुअली लिखी थी वही एंट्री यहाँ मैप हो रही है, एक्सपेंस डेबिट टू पार्टी टू टीडीएस। ओके गाइस तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, एंट्री हमारी होगी सेव। अब गाइस देखो उसको पेमेंट करनी होगी तो पेमेंट के अंदर जाऊँगा, ठीक है F5 करके। अब क्या पूछ रहा है ये, यहाँ पूछेगा कैश या बैंक किसके थ्रू पे कर रहे हो। लेट से मान लो मैं कैश में पे कर रहा हूँ, ठीक है अगर बैंक बनाना है तो बैंक बना सकते हो आप, ऑल सी प्लस करके जो भी बैंक होगा उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर देना अंडर बैंक अकाउंट। ये IFSC कोड AFSC भी सब डाल सकते हो चेकबुक से देख के आप, ठीक है बेसिकली अपना। ओके किस पार्टी को पे करोगे? ABC को पे करना है मुझे। जैसे पे करोगे कितना अमाउंट, इसका बैलेंस यहाँ लिखा आता है गाइस देखो, क्योंकि ABC को मुझे 36,000 ही पे करने हैं क्योंकि 4,040 का बिल आया था बट 4,000 हम टीडीएस काट लिया उसका, तो मैं 36 पे कर रहा हूँ। ओके अब ये पूछ रहा है सर 36,000 जो आप पे कर रहे हो वो किसी बिल के अगेंस्ट में कर रहे हो? तो मैंने कहा हाँ जी अगेंस्ट रेफरेंस नंबर क्या, वो बिल नंबर आ जाएगा देखो यहाँ पे 36,000 का जो मैंने वहाँ पे पिक किया था उस टाइम पे, उसको पिक करो और उसको सेव कर दो। अब बैलेंस क्या हो गया? 0 हो गया, पेमेंट खत्म, लाइबिलिटी खत्म हमारी। ओके ना उसी तरह से आप पेमेंट कर सकते हो टीडीएस की भी, ICICI बैंक के थ्रू मैं पे कर रहा हूँ किसको, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल को। पूछ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस करना है, मैंने कहा यस सर एक बिल है हमारा 4,000 का उसकी पेमेंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है 4,000 पे किया मैंने उसको सिंपली पे कर दिया। ओके गाइस तो इसी तरीके से आप एंट्रीज को यहाँ पे मैप करोगे, जितने भी हमारे टीडीएस के एक्सपेंस के बिल आएंगे सारे के सारे हमारे F7 में एंट्री पास करो, फिर उनकी पेमेंट की एंट्री पास कर दो F5 के अंदर। ओके होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी आपकी एंट्रीज पास करने में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइस।